ये जो DOB अगर ये असेंबल करने पर ये सारा प्रॉब्लम होता है तो इसे सिंपल तरीके से रिपेयर किया जाता है। तो ये रिपेयर हो चुका है। अब मैं ये LED बल्ब को तैयार करके दिखाऊंगा। ये जो DOB है इसमें मैं करूंगा क्या, ये ज़रा सा मैं इसके पीछे पेस्ट लगा लूँगा। अब यहाँ बात देख सकते हैं पेस्ट कितना लगाया जाता है। तो पेस्ट हमेशा ध्यान दें, ज़्यादा पेस्ट ना दें और ना ही तो इसमें पेस्ट कम दें, कि पेस्ट उतना ही दिया जाता है जितना ही ज़रूरत है। तो इस तरह से देखिए मैं पेस्ट को लगाऊंगा, इस तरह से हल्के हल्के पेस्ट देना है ताकि अगर आप इसमें कोई भी स्क्रू को टाइट करते हैं तो पेस्ट बाहर नहीं आना चाहिए, उतना ही दे जितना इसमें ज़रूरत होता है। तो उसके हिसाब से ही पेस्ट दिया जाए। आप देख सक रहे हैं कि यहाँ पर मैं इस साइड में पेस्ट लगा दिया हूँ, तो इसी तरह से मैं इस साइड में भी पेस्ट लगाऊंगा। ये पेस्ट को मैं हल्का ही दे रहा हूँ, किसी भी तरह से ज़्यादा पेस्ट देने की आवश्यकता नहीं होती है। ये मेरे पास छोटे से पेस्ट वाला डिब्बा था तो इसमें मैं हल्के हल्के पेस्ट का यूज कर रहा हूँ, कोई भी ज़्यादा पेस्ट देने की आवश्यकता नहीं होता है। अब देख रहे हैं कि इसके बैक साइड में मैं पेस्ट लगा दिया हूँ, है यहाँ पर जितने भी कंपोनेंट लगा हुआ है तो ये पेस्ट उस पर ना लगा दें, क्योंकि ये पेस्ट में थोड़ा नमी होता है। अगर ये पेस्ट को जहाँ तहाँ भी आप लगा दें इसके बीच में तो होगा क्या कि ये आपस में शॉर्ट हो जाएगा, जिसके कारण आपका ये DOB जो है वो ख़राब हो जाता है। तो ये बात को हमेशा ध्यान रखें कि जब भी पेस्ट लगाया जाता है तो इस जस्ट इसके बैक साइड में ही पेस्ट लगाएं, इसके कंपोनेंट पर पेस्ट ना लगा। अब मैं इसमें जैसे ही इसे इन कर दूंगा ये हॉल से बीच से वायर को, और ये देखें यहाँ पर सोल्डर कर दें। तो मैं सबसे पहले ये DOB में इसे मैं सोल्डर करूँगा। We'll be right back.
को इन करूँगा तो ये देखें, ये जो DOB है ये ग्लो कर रहा है बिल्कुल अच्छी तरीके से। तो ये इस तरह से मैं ये DOB को असेंबल किया, इसमें कुछ कंपोनेंट लगा करके। ये जो फ्लक्चुएशन हो रहा था उस DOB में भी फ्लक्चुएशन होगा, ये LED का डिफ्यूजर जब लग जाएगा तो ये फ्लक्चुएशन जो हो रहा है ये थोड़ा सा कम हो जाता है। तो देखा आपने कि कैसे मैंने ये DOB को असेंबल किया और ये बिल्कुल ही सही हो चुका है। ये DOB यहाँ पर सारा कनेक्शन करने के बाद बिल्कुल अच्छी तरीके से ये ग्लो भी कर रहा है। तो वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। ये वीडियो के माध्यम से भी आप इस तरह से कंपोनेंट को लगा करके अपने DOB को काफ़ी हद तक सेव कर सकते हैं। और ये DOB बिल्कुल ही अच्छी तरीके से हो चुका है रेडी। तो वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।